मॉर्निंग बच्चों, हम पढ़ रहे थे अभी तक पार नज़र के। अब उसमें आगे देखिए, अभी उसमें क्या हुआ था कि धरती की तरफ एक तारा बढ़ता चला आ रहा था। तो छोटू के पापा ने अपना संदेह प्रकट किया, अंतरिक्ष यान तो नहीं है कहीं, संदेह हमें भी है, आप अब इस पर बराबर ध्यान रखिएगा। छोटू के पापा सोच में डूब गए, क्या सचमुच अंतरिक्ष यान होगा? कहाँ से आ रहा होगा? सौर मंडल में हमारी धरती के अलावा और कौन से ग्रह पर जीवों का अस्तित्व होगा? कैसे हो सकता है? और अगर होगा भी तो क्या इतनी प्रगति कर चुका होगा कि अंतरिक्ष यान छोड़ सके? वैसे तो हमारे पूर्वजों ने भी अंतरिक्ष यानों उपग्रहों का प्रयोग किया था, मगर अब हमारे लिए यह असंभव है। उसके लिए आवश्यक मात्रा में ऊर्जा तो हो। काश इस नए मेहमान को नज़दीक से देखा जा सकता। हाँ, अगर वह इसी तरफ आ रहा होगा तब तो यह संभव हो सकेगा। देखें, अब अंतरिक्ष यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। हर पल उसकी लंबाई बढ़ती ही जा रही थी। छोटू के पापा ने अवलोकन जारी रखा। कॉलोनी की प्रबंध समिति की सभा बुलाई गई। अध्यक्ष भाषण दे रहे थे। हाल ही में मिली जानकारी से पता चलता है कि दो अंतरिक्ष यान हमारे मंगल ग्रह की तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं। इनमें से एक अंतरिक्ष यान हमारे गिर्द चक्कर काट रहा है। कंप्यूटर के अनुसार ये अंतरिक्ष यान नज़दीक के ही किसी ग्रह से छोड़े गए हैं। ऐसी हालत में हमें क्या करना चाहिए, इसकी कोई सुनिश्चित योजना बनानी ज़रूरी है। नंबर 1, आपका क्या ख्याल है? ऐसा पूछते हैं। कॉलोनी की सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी नंबर 1 पर थी। उन्होंने कुछ कागज़ समेटते हुए बोलना आरंभ किया। इन दोनों अंतरिक्ष यानों को जलाकर खाक कर देने की क्षमता हम रखते हैं, मगर इससे हमें कोई जानकारी हासिल नहीं हो सकेगी। अंतरिक्ष यान बेकार कर ज़मीन पर उतरने पर मजबूर कर देने वाले यंत्र हमारे पास नहीं हैं। हालांकि अगर ये अंतरिक्ष यान खुद ब खुद ज़मीन पर उतरते हैं तो उन्हें बेकार कर देने की क्षमता हम में अवश्य है। मेरी जानकारी के अनुसार इन अंतरिक्ष यानों में सिर्फ यंत्र हैं, किसी तरह के जीव इसमें सवार नहीं हैं। आगे क्या अगले सत्र में पढ़ेंगे, संक में, अंक में। धन्यवाद।